कैसे हो आप? जयमा टैरो में आपका स्वागत है। जयमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जयमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन जिनको आप बेहद प्यार करते हो और आप लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन और आप थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ये जो रीडिंग है ही शी सेम जेंडर मैरिड अनमैरिड सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो, जितनी रेजोनेट करे आप रख लेना, अदरवाइज आप किसी और रीडिंग पे चले जाना। कोई ना कोई क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी इस रीडिंग में और साथ में मिलेगी एक प्यारी सी एडवाइस। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आज आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। फर्स्ट कार्ड क्या है? जी हाँ, 10 of Wands। सिक्स ऑफ कप्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ सोर्ड्स। एट के नीचे एट, यानी कि एट ऑफ वॉन्ट्स। द वर्ल्ड। एस ऑफ कप्स। टू ऑफ पेंटिकल। लास्ट कार्ड क्या है? फाइव ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में आया गाइस, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइज, यहाँ सभी राशियों के साइन आए हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। और नंबर आपको बता देती हूँ, 2 इम्पोर्टेड है, 5 इम्पोर्टेड है, 11 इम्पोर्टेड है, 12 इम्पोर्टेड है, 6 इम्पोर्टेड है, 8 इम्पोर्टेंट है, 10 इम्पोर्टेंट है और 21 इम्पोर्टेंट है और 1 इम्पोर्टेंट है। तो गाइस, इसमें से सबसे ज़्यादा 5 और 8 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिपीट हुए हैं। तो हो सकता है ये नंबर आपके मेमोरी में कहीं ना कहीं हो, आपने और अपने आपके पर्सन ने कुछ यादगार लम्हे इस डेट को हुआ, जैसे कहीं कैंडल लाइट डिनर करने जाना, एक दूसरे को प्रपोज करना, लॉन्ग ड्राइव या बर्थडे। तो हमारी रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, आप लोगों के जो पर्सन है, इतने कुछ लोगों के तो चालाक हैं, कुछ लोगों के बहुत भोले पर्सन हैं।
वो किसी की भी बातों में आने वाले हैं, लेकिन ये पर्सन का जो थर्ड पार्टी है आप लोगों के रिश्ते में, फैमिली फाइनेंस नज़र आ रहा है गाइस, और हो सकता है उनका कोई क्रश भी हो। तो हो सकता है ये जो पर्सन है आपके रिलेटिव में हो, या आपके कॉलेज के फ्रेंड, या चाइल्डहुड फ्रेंड हो, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देखते हैं उन दोनों के बीच में, जिस थर्ड पार्टी ने आपको परेशान करके रखा हुआ है, आपके दिमाग से टेंशन नहीं जा रही, जो टेंशन देके आपके पार्टनर के साथ बैठी हुई है, या आपका पार्टनर उनके साथ है, तो उनकी आपस में क्या बोलनी है। तो गाइज मैं सबसे पहले बताऊं, हम सबसे पहले आज बॉटम से शुरू करेंगे। ये देखिए थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। टेंशने, दिली, दिमागी उलझने, लड़ाई झगड़े, तू मैं, ये सब चल रहा है। और ये कब चलता है, जब रिश्ता ऊपर से तो नज़र आता है, लेकिन अंदर से रिश्ते में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम्स होती है। देखने में तो सबको, सामने वाले को लगेगा जो कुछ है सही है, आपस में रहते हैं, ठीक है, बनी हुई है, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन ये बाहरी और अंदर की दोनों की लड़ाइयों को ये शो करता है। जो मन के अंदर है वो भी समझो निकल आया। जिस पर्सन ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के साथ गया, आपसे सेपरेशन फेस किया, या आपसे मुंह घुमाया, और हो सकता है आपकी वो गलती निकाली हो, तो उस पर्सन की आज ये हालत है, ये हालत है। ये गाइस कोई गठड़ी नहीं उठा रहे, ये स्ट्रेस से दबे हुए इंसान है, टेंशन से दबे हुए इंसान है, एक ऐसे इंसान है कि जो इनकी प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ यही सोल्व कर सकते हैं और कोई नहीं सोल्व कर सकता। क्योंकि अगर किसी और चीज़ की वजह से परेशान हो तो कोई और सोल्व करेगा। ये तो मुसीबत इन्होंने खुद मोल ली है, यानी कि थर्ड पार्टी के साथ ये खुद इन्होंने सेटलमेंट की है और परेशान है, और ये जो है अपने रिश्ते को लेके परेशान है, और ये सेटलमेंट जब इन्होंने खुद करी है तो निकलेगा भी कौन, ये खुद ही अपनी समस्या का हल ढूंढेंगे। इसलिए ये स्ट्रेस में दबे हुए हैं, क्योंकि इस चीज़ को ये जानते हैं कि ये स्ट्रेस सिर्फ मैंने डाला है और मैंने ही निकालना है। ये पर्सन जो थे उस टाइम इस तरह के थे कि आपसे भी बहाने बनाते थे, कहीं ना कोई बहाना ऐसा ढूंढते थे कि जैसे आप इनकी बातों में आओ और प्यार से अलग हो जाओ। आपने कई बार इनसे पूछने की चीज़ करी, ये पूरी तरह अपनी फीलिंग नहीं छुपाते थे, लेकिन आज भी आप इस पर्सन के ऊपर स्टक को आपने आंखें मूंद के विश्वास किया, भले ही उसने आपको सारे रास्ते बंद कर रखे हैं, लेकिन आपका ध्यान आज भी इनमें है। तो ये पर्सन के हालात ऐसे चल रहे हैं कि थर्ड पार्टी भी अब इनसे मुंह मोड़ रही है। इनके आपस में लड़ाई झगड़े रहते हैं, टेंशन ही रहती है, थर्ड पार्टी अपना एटीट्यूड दिखाती है जो ये पर्सन आपके बर्दाश्त नहीं कर पाते। ये कंफ्यूज है, पहले भी कंफ्यूज थे, अब भी कंफ्यूज है, यानी कि ये जो आपके पर्सन है डिसीजन लेने में कंफ्यूज इंसान है। एक परफेक्ट डिसीजन लेना इनके बस की बात नहीं है। पहले चुपचाप बैठ के बातों को बिगाड़ लेते हैं, चीज़ें खराब कर लेते हैं, उसके बाद इनसे बैलेंस नहीं बनता, ये कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपके साथ रिश्ते में थे इनका इन एंड आउट चलता रहता था, कई बार आपको लगता था कि ये पर्सन रिश्तों में क्लैरिटी में खरा नहीं उतरेगा, फिर आप मन ही मन सोचते थे नहीं, क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर थे, गलतियाँ या सब कुछ समझ होने के बावजूद भी आप आंखें बंद करके विश्वास किया हुआ था आपने। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को थर्ड पार्टी की चोट इतनी लगी हुई है, जहाँ ये बॉटम में आया कि इनमें बहुत टेंशनें रहती हैं, ये अब आपको मिस करते हैं, इनको आपके साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है, इनको आपके साथ करी हुई बातें याद आती है,
जो हंसी खुशी के पल बिताए हुए हैं वो याद आते हैं, और इनको ये भी याद आता है कि आप इनसे कैसे अलग हुए हो। कहीं ना कहीं ये अपने आप अंदर से महसूस करते हैं वो बातें कि जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इनके बस का कुछ नहीं, क्योंकि अब इनके दिमाग पे बोझ दो तरफा है, एक आपको लेकर और एक थर्ड पार्टी को। थर्ड पार्टी के साथ इनके साथ टेंशन ही रहती है। थर्ड पार्टी कहती है कि मैं पूरी तरह कब्जा कर लूँ, राज जमा लूँ, जैसे मैं कहूँ ये मेरे कंट्रोल में रहे, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई इनका क्रश हो। लेकिन जब ये नहीं रह पाते तो बेमतलब की लड़ाई झगड़े उलझने होती हैं, जिसके स्ट्रेस के नीचे ये दबते ही जा रहे हैं। लेकिन इनका ध्यान अभी भी कुछ आप में है, ये आज भी आपकी तरफ ध्यान करते हैं, और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं रोशनी की किरण कोई ना कोई मिल जाए, या कोई ना कोई रोशनी की किरण है जो आपको इनसे फिर से मिलाएगी। और वो है कप, एस ऑफ कप्स का कार्ड, कि रिश्ते की दोबारा शुरुआत होने की संभावना है। ये कार्ड भी बताता है, और उनको अंदर से दिल भी कहता है कि अगर कोशिश करूँगा तो ये चीज़ें सही हो जाएगी। जो चीज़ें इस बंदे ने आपके आगे, या बंदा या बंदी कोई भी है, आपके लिए बाउंड्री खड़ी करी थी, उस बाउंड्री में अब वही खुद परेशान है। अब ये रास्ते अपने खोलने चाहते हैं। उस टाइम जब आपको इस बाउंड्री में डाला होगा, कई तरह के एक्सक्यूज़ दिए होंगे कि फाइनेंस की दिक्कत है, फैमिली नहीं मान रही, ऐसे और कई तरह के एक्सक्यूज़ दिए होंगे, तुम्हारा मेरा मेल नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी वक्त नहीं है, कुछ ऐसे एक्सक्यूज़ दिए होंगे जो हलक से नीचे नहीं उतरते। लेकिन ये कार्ड ये भी बताता है, भले ही ये कितनी परेशानियां हो, बाद में एक सुनहरा अवसर जरूर मिलता है। अब ये पर्सन जो है रास्ते खोलना चाहते हैं, क्योंकि ये इस चीज़ को अब आपके साथ रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, और आपके साथ इमोशनल अटैच होना चाहते हैं। इनका मन करता है कि अब ये आपके साथ सेट हो, इमोशनल अटैच हो, क्योंकि इनको लगता है कि दुनिया आप इनकी हो। ये एक गाइस कार्मिक कनेक्शन था, जो थर्ड पार्टी आप लोगों के रिश्ते में आई और उसने तूफान मचाया, लेकिन वो साइकिल जैसे ही ख़त्म होगा, ये पर्सन आपकी तरफ आने की संभावना रखता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं अब एहसास होने लगा है, और ये समझता है कि हर तरह का सुख आपके साथ ही है। आप अब इनको अपनी दुनिया लगते हो, आपके बगैर इनको खालीपन और अकेलापन बहुत लगता है। लेकिन ये पर्सन जो है चीज़ें आगे ले जाता हुआ डरता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पास्ट में ड्रामे हुए हैं, लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो आप लोगों की कहा सुनी हुई है, उसको लेके ये अंदर से परेशान रहता है। चीज़ों का बैलेंस पहले भी बना रहे थे इनसे, तब भी नहीं बना, अब भी बनाते हैं, अब भी इनसे नहीं बनता। यानी कि रिश्तों में ये कमज़ोर है, कोशिश बहुत करते हैं और बिगाड़ लेते हैं, इनकी कोशिश ऐसी है। लेकिन गाइस इनकी जो इस टाइम हालत है वो बहुत ख़राब है। थर्ड पार्टी और इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बन रही, इन्हों थर्ड पार्टी ने इनको सिर्फ स्ट्रेस दे रखा है इस टाइम, और कुछ नहीं दे रखा। स्ट्रेस दे के अपना बर्डन डाल के, अपने ज़बरदस्ती का, अपनी कंट्रोलिंग का, उसके बाद इस पर्सन को इस हालत में छोड़ रखा है। तभी इनको आपका ध्यान आता है। जब इंसान के साथ बुरा वक्त होता है ना, तभी अच्छे का ध्यान आता है, नहीं तो एक टाइम पे हर कोई अच्छा और चमकता हीरा देख के उस तरफ भागेगा। लेकिन ये जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों का हो सकता है ये कार्मिक कनेक्शन है, तो कार्मिक कनेक्शन जैसे ही ये ख़त्म होगा, ये पर्सन आपके तरफ आते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल ये खड़े हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और अपनी पुरानी चीज़ें याद करके अपना हिसाब बना रहे हैं कि कैसे आगे आएं। और ये रीडिंग का टॉपिक था कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में क्या चल रहा है, तो मैं ये बताऊंगी कि आपके पर्सन बैलेंस करने में लगे हुए हैं, जो इनका और थर्ड पार्टी का नहीं हो रहा, और इनके आपस में टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है दबे हुए हैं। चलिए देखते हैं, जैसे कि ये मैंने कहा कि कार्मिक कनेक्शन है, आने की सोच रहे हैं, ये पर्सन आएंगे भी या नहीं।
या कितनी उम्मीद है इनकी, डिवाइन बताइए। मेरे व्यूअर की जो पर्सन है जो थर्ड पार्टी के साथ बिजी हैं, इनकी आने की तो संभावना है, पर ये आएंगे? टेन ऑफ पेंटिकल्स, 22, किंग ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, गाइस ये पर्सन जो है आपकी तरफ आने की सोच रहे हैं, आपके साथ फैमिली परिवार बनाने की सोच रहे हैं। इस बार कोशिश करेंगे, थोड़ा कदम उठाएंगे। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि जहां मैं आप कहूं कि चीज़ें थोड़ी सी बीच में डगमगाएं, तो थोड़ा इनको मजबूत बनना पड़े, थोड़ा सा प्रैक्टिकल और ज़्यादा बनना पड़े। और थर्ड ईयर में सिक्स ऑफ वैंड्स बताता है कि आपकी सारी चीज़ें हो सकता है बिल्कुल सेटल हो जाए और आपकी तरफ बाजे गाजे के साथ आए। चलिए ये देख लिया, अब आपके लिए भी देख लें जो अपने पर्सन को लेके हमेशा सोचते रहते हैं उस टक को। डिवाइन बताइए मेरे जो व्यूअर है, फ्रेंड है, प्यारे प्यारे चाइल्ड है, ये अपने पर्सन का इंतज़ार करते हैं। अगर इनके पर्सन आए, या अभी के लिए बता दीजिए कि अभी के लिए इनकी क्या एडवाइस है जो इनके हित के लिए ज़रूरी है। गाइस टावर का कार्ड आया है, टावर का कार्ड ये बता रहा है, डिवाइन कह रहे हैं कि आप अंदर से उलझे पुलझे पड़े हो, अपनी चीज़ों का सोचते हो, नेगेटिव सोचते हो और बहुत ज़्यादा सोचते हो। आपके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम हुई है इसलिए आप परेशान रहते हो। कई बार आपको ऐसे लगता है कि आप अपने आसपास का माहौल है जो आपके अपने हैं वो आपसे दूर होते जा रहे हैं या वो आपको दूर करते जा रहे हैं, तो इसलिए इस टाइम आपको अपनी लाइफ में चेंजिंग लाने पड़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा और वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी जो नॉर्मली एक इंसान में होती है। क्योंकि जब डिवाइन का टाइम आएगा तो आपके पर्सन ज़रूर आएंगे, उसके लिए आप इतने नेगेटिव रहो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन जल्दी आए तो आपको भी पॉजिटिव बनना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव बनोगे तो सामने वाले को वाइब्स जो है पॉजिटिव ही जाएगी, जो वो सब चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी, जो बिल्कुल फ्री है, एक टच ही तो करना है। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट रीडिंग का जब भी नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।